अगर आपके पास भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे कुछ इस प्रकार पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक या पिन लॉक लग चुका है और आप अपने पैटर्न पिन पासवर्ड को भूल चुके हो, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, क्योंकि हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ो। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक कैसे तोड़ा जाता है। नया फ़ोन है या पुराना फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। अगर आप ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो और वो फ़ोन आपसे इस प्रकार लॉक हो जाता है, अनलॉक नहीं होता है, तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे घर बैठे बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसा दिए हुए, बिना डाटा डिलीट किए हुए कैसे आप अपना ओप्पो मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। फ्रेंड, जब आपका फ़ोन इस प्रकार लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है, तो आप लोग डायरेक्ट सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो, दोनों जगह आपका फ़ोन अनलॉक होता है, नो डाउट। टोटल का टोटल लॉक रिमूव होगा, लेकिन वहाँ पे जो भी वर्क आपके फ़ोन में होगा आपको दिखाया नहीं जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा, आपका समय लिया जाएगा और आपके फ़ोन के अंदर जो भी फैमिली फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ऐप, गेम, जो भी आप रखे हो फ्रेंड, वो टोटल का टोटल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ओप्पो फ़ोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। कभी भी ऐसा अनलॉकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग के सामने आए तो आप लोग बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड, सबसे पहला वर्क जब हम अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करेंगे, पैटर्न पिन पासवर्ड जो होगा वो शो करेगा, यहाँ पे पैटर्न लॉक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप अपना पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पैटर्न को ट्राई करोगे, यहाँ सेकेंड शो करेगा, फिर ट्राई करोगे, मिनट शो करेगा, धीरे धीरे आपका फ़ोन डेथ होता चला जाएगा। मिनट शो किया, जहाँ समझ लीजिए कि आपका फ़ोन धीरे धीरे डेथ होना चालू। लेकिन फ्रेंड, आपको इतना कोशिश नहीं करना है, आपको रॉन्ग रूट में नहीं जाना। हम आपको इस पेज में कोई एक ऐसा ऑप्शन दिखाएंगे जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। सिर्फ सिंगल ऑप्शन है यहाँ पे, ऊपर देख लो कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं, नीचे देखिएगा आप तो आपको दिखेगा इमरजेंसी SOS का ऑप्शन, जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं। आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल से होगा, यहाँ पे इमरजेंसी SOS है, तो ये दोनों बराबर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे ये इमरजेंसी SOS के अलावा, इमरजेंसी कॉल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में एक न्यू डायलेट ओपन हो चुका होगा। अगर जिस फ़ोन में डायलेट ओपन नहीं हुआ है, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आप लोग देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग के सामने एक डायलेट ओपन हो जाएगा। इस डायलेट में आपको गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड, जो एक्टिव कोड है ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, *#8999 और हैज पे क्लिक कीजिएगा। मैंने बोला था ये कोड एक्टिव है, और आप देखें सेकंड भी नहीं लगा, आफ्टर सेल का एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको चौथा नंबर ऑप्शन के नीचे सॉफ्टवेयर वर्जन दिख रहा है, 5 नंबर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। सेकंड नंबर वर्जन आपका शो कर रहा है 13 बोले तो आपका एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 13 है, तो आपको यहाँ पे 13 टाइम क्लिक करना होगा। अगर आपके फ़ोन में 12 है, 11 है, तो 10 है, उतना टाइम आप क्लिक कर लेना। यहाँ पे 13 है इस फ़ोन का, तो हम 13 टाइम क्लिक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद हम इसको बैक कर लेंगे। जस्ट ऊपर मैनुअल टेस्ट दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, यही वर्क आपको आपका फ़ोन अनलॉक करेगा। फर्स्ट पेज कैंसिल करके सेकंड पेज पे आएंगे मैनुअल टेस्ट के। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना सेंसर को ऑन करना है फ्रेंड। थोड़ा सा ऊपर आइएगा, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन दिखेगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। आपके फ़ोन में 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, देखना कितना सेंसर है आपके फ़ोन में। जैसा कि इस फ़ोन में यहाँ पे आपको 2 सेंसर दिख रहा है, सिर्फ 2 सेंसर, तो हम ये दोनों सेंसर को स्टार्ट करेंगे। और जब ये वर्किंग करेगा तो ये येल्लो कलर का हो जाएगा, जिसको देख कर आप पहचान सकते हो। मेरे फ़ोन में 2 सेंसर है, तो हम ये दोनों सेंसर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपके फ़ोन में 3 है, 4 है, 5 है, सबको स्टार्ट कर लेना। हम लोग को सिर्फ एक पास चाहिए, एक पास आना चाहिए, बस एक। स्टार्ट किए दोनों को, आप देख सकते हो फ्रेंड, ऊपर का पास आ चुका है, नीचे का फेल आया। मैंने बोला था एक पास चाहिए, जो कि हमको मिल चुका है। अब हम इसको बैक करेंगे, जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जायरोस्कोप, जी सेंसर एम सेंसर के बीच में दिखेगा जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिएगा। ग्राफ का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसको 10 सेकेंड रनिंग करते हुए, वर्किंग करते हुए आपको छोड़ देना है 10 सेकेंड।
अगर ये 10 सेकंड आपके फोन में रनिंग करता है तो आपके फोन में जो भी ईमेल जीमेल होता है फ्रेंड वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाता है। जब लगे 10 सेकंड हो गया आप इसको बैक कर लेना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा, ये जरूरी है फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक करना, बहुत सारे ओप्पो फोन में पास या फेल आ चुका होगा लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन है। जिनके फोन में स्टार्ट करने का ऑप्शन है वो स्टार्ट कर लेंगे और पास आने का वेट करेंगे। अगर पास आएगा तो ही आपका फोन अनलॉक होगा। देख सकते हो फ्रेंड पास आ चुका है, अब इसको बैक कर लेना। अब हम आपको मेन वर्क की ओर ले चलते हैं जहां पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। जो डाटा सर्विस सेंटर वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा रिकवर करके नहीं देते हैं, हम यहां पे फ्री में बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले पे आप सिंपल तरीके से क्लिक करना, आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 एंगल नीचे की ओर इंक्रीज करते हुए दिखेंगे। ये आपका डाटा रिकवर हो रहा है फ्रेंड, इसको 30 तक बिना रुके हुए अपने फोन में इंक्रीज करने दीजिएगा। अगर ये बीच में रुकता है तो आपका डाटा आधा भी रिकवर हो सकता है। 30+ हो चुका है, अब हम इसको बैक कर लेंगे। यहाँ का वर्क हो चुका कंप्लीट, हम लोग लास्ट पेज पे चलेंगे जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद 2nd नंबर ऑप्शन आप लोग देखना फ्रेंड, ध्यान से वर्क देखना, अब ये लास्ट पहुंच चुका है। यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। कैंसिल और ओके का ऑप्शन आया, हम फर्स्ट टाइम में कैंसिल करेंगे और इसको 2nd टाइम में ये कोड डालकर 111*#, ये कोड डालकर हम ओके करेंगे। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आपके भी स्क्रीन पे शो कर रहा है तो आप समझिएगा पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी आपके फोन में था वो रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, तो हमको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल। तो हम क्लिक किए, अपडेट हुआ फ्रेंड आपके सामने, अभी अभी अपडेट हुआ और जितना भी नेम में की है स्टेटस में देख लीजिए सारा पास है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पैटर्न पिन पासवर्ड टूट चुका है। कंफर्म करने के लिए रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अगर यहाँ पर भी पास हुआ आपके फोन में स्वीप अप ऑप्शन है, स्वीप अप कीजिए, होम बटन का ऑप्शन है होम बटन पे कीजिए क्लिक। किए रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक, पास आया, मेरे पास होम बटन का ऑप्शन है, हम होम बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। इस फोन का पैटर्न लॉक था जिसको मैंने आप लोग के सामने रिमूव किया। पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया। सर्विस सेंटर वाले ये डाटा आपको देखने तक कभी नसीब नहीं देते लेकिन मैंने प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।